अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। आज अब हमारी सफाई से शुरू हो रहा है ब्लॉग। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका भी यही काम होता होगा सुबह में सब। हमारी सफाई से आज हमने ब्लॉग शुरू किया, मॉर्निंग व्यू दिखाया, फिर उसके बाद नीचे आए तो सफाई से अपना ब्लॉग शुरू किया। और क्या हो रहा है, कैसे हैं सब लोग? फिर हमने सफाई करने के बाद नाश्ता बनाया, चाय बनाई, फिर चाय बना के नाश्ता किया। फिर बाद में भाई साइट पे जाने लगे तो उनके लिए, वो कुछ खाकर नहीं जाते हैं, तो हमने सोचा चलो उनको फ्रूट सैलेड ही दे दें। वो कुछ खाते ही नहीं हैं सुबह में और साइट पे चले जाते हैं, तो फिर उनको फ्रूट सैलेड बनाई, तो फिर हम लोगों ने भी इसमें फ्रूट सैलेड खाई। आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए फ्रूट सैलेड निकल रही है। सुबह में तो बस ऐसे ही गड़बड़ी गड़बड़ रहती है सारे काम की, सुबह में टाइम ही नहीं हो पाता। ये देखिए हमारी फ्रूट सैलेड निकल गई। सुबह में काम और खाना बनाना, सफाई करो, ये सब, बस यही सब रहता है सुबह में। सुबह में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। ये देखिए फ्रूट सैलेड हम लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए फिर फ्रूट सैलेड खाने के बाद 12 12:30 बज गए, तो फिर हमने सिंपल सी तुरई की सब्ज़ी, रोटी, ये सब चीज़ें बनाई। कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, खाली तुरई बनाई, तुरई की सब्ज़ी और रोटी बनाई, तुरई काट के। और हम लोग सिंपल तरीके से ही बनाते हैं बस ऐसे ही। बहुत बहुत से लोग इसको भरता भी बनाते हैं, इसको एकदम मैश करके, बहुत से लोग मसाला डाल के बनाते हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। ये देखिए हमारी तुरई भी कट गई। इस तुरई की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर हमने रोटी बनाई। रोटी की तो खैर मैं शेयर नहीं कर पाई, बस तुरई की सब्ज़ी बना के तो मैंने शेयर की। अभी तुरई का सीज़न चल रहा है तो तुरई बहुत अच्छी आ रही है, एकदम हरी हरी छोटी छोटी, बहुत अच्छी तुरई आ रही है। हमारे यहाँ सर्दी की सब्ज़ी अलग होती है, गर्मी की सब्ज़ी अलग होती है। सर्दी में हमारे यहाँ तुरई नहीं मिलती हैं और गर्मी में मिलती हैं। और गाजर, गोभी, ये सब चीज़ें सर्दी में मिलती हैं, गर्मी में नहीं मिलती हैं। हम लोग यहाँ सीज़न के हिसाब से मिलती हैं, और जगहों पर तो फुल ईयर सभी चीज़ मिलती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलती है। ये देखिए मैंने तुरई डाली और सिंपल सा नमक हल्दी डालकर और ऑयल डालकर फिर मैंने कुकर लगा दिया था। कुकर मैंने इस वजह से लगा दिया था जल्दी की वजह से, वैसे सब्ज़ी तो खुले में ही बनाते हैं, लेकिन मैंने कुकर लगा दिया था जल्दी की वजह से कि जल्दी हो जाएगी झटपट। ये हरी मिर्ची काट के डाली। हरी मिर्ची भी हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत थोड़ी सी, लाइट एकदम खाना खाते हैं हम लोग। हमारे पापा को नहीं चलता है तेज़। और हाँ, शादिया मलिक हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है। हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है, मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, हम दो सिस्टर हैं और एक भाई है हमारा, बस। हम लोग बहुत छोटी सी फैमिली, हम लोग सिर्फ 5 मेंबर्स ही हैं अपनी फैमिली में। मैं हूँ, मेरी सिस्टर छोटी है और भाई है। ये देखिए हमारी कुकर रेडी हो गया। रेडी नहीं हुआ मतलब अभी भूनना बाकी है, अभी ऑयल डाला था तो फिर भूनूंगी उसको अच्छे से। इसमें पानी बहुत हो जाता है तुरई में, बहुत पानी निकलता है तुरई की सब्ज़ी बनाओ तो, इतनी देर तक उसको सुखाते रहना पड़ता है। ज़ीरा डाला फिर मैंने, ज़ीरा मैं भूल गई थी शुरू में डालना, इस वजह से मैंने बाद में ज़ीरा डाला। हम एक साथ सब डालकर चढ़ा दें, बन के तैयार होने को हो गई। बहुत जल्दी बन जाती है तुरई, और गर्मी में तो अच्छी भी लगती है तुरई की सब्ज़ी खाने के लिए। ये देखिए तुरई भी बन गई। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? ये देखिए
अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कल की मेरी वीडियो पे। कल जो मेरी वीडियो गई थी बरेली का झुमका, और ये देखिए कल खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा, हमें मार्केट में काम था तो हम मार्केट में गए। ये देखिए मेरे ताऊ हैं, उनके बेटे का बेटा है ये। फिर हम लोग मार्केट निकल गए, थोड़ी सा हमें कुछ काम था तो हमने सोचा कि आप थोड़ी आपके साथ भी बरेली का बाज़ार शेयर कर लें, मार्केट बरेली का। ये यहाँ की बरेली की बहुत फेमस शॉप है साहिब राम एंड सन्स, ये उनकी शॉप पे से कुछ काम था हमें तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। अच्छा मिलता है यहाँ पर, सामान भी बहुत अच्छा, अच्छे रेट पर मिलता है, सभी चीज़ मिल जाती है यहाँ एक ही जगह, ऐसा लगता है जैसे मॉल से ले लिया, सभी कुछ यहाँ से ले लेते हैं।